अदिति वापस मुंबई पहुंची और बिजी हो गई अपने शेड्यूल में। अब आदित्य उसे कभी भी फोन कर लेता। अदिति और आदित्य एक बार फिर सवार हो गए प्यार के रोलर कोस्टर पर। एक दूसरे को सोचना, बातें करना, साथ रहने के वादे, साथ में गाने सुनते, एक दूसरे की पसंद नापसंद, घर का इंटीरियर, पर्दों के कलर, शादी, मेहंदी और हल्दी की रस्में, और यहाँ तक कि बच्चों के नाम तक डिसाइड होने लगे थे। उन दोनों ने एक दूसरे से मिले बिना प्यार किया था। प्यार तो गहरा होना ही था, कुछ तो अलग था उनके रिश्ते में। कुछ दिनों बाद अदिति ने हॉस्पिटल में मेघा के पेरेंट्स को देखा। मेघा के पापा बैंक में क्लर्क और माँ टीचर थी। उन दोनों की हालत देखने लायक नहीं थी। जिनका जवान बच्चा मर गया हो उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। अदिति और सिया उन्हें देख रही थी। वो कुछ पेपर वर्क के लिए बुलाए गए थे। वो उनके पास गई और हेलो करके बोली, आंटी अंकल कैसे हैं आप? उन्होंने बस रुआसी आंखों से उसे देखा। गला रुंधा हुआ था, कुछ बोल ही नहीं पाए। अदिति की आंखों में आंसू थे, सिया भी गुमसुम थी। मैं डीन से मिलने वाली हूँ, अदिति ने अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए सिया से कहा। क्यों? सिया बोली, मैंने तुझे बताया था ना, उस दिन मैंने राजीव, मनोज और विपिन की बातें सुनी थी। अदिति बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी मत बोल, सिया ने उसे कहा। तू कुछ नहीं करने वाली, क्यों मुंह लग रही है? देख उनको, अदिति ने मेघा के पेरेंट्स की तरफ उसे दिखाते हुए कहा। अगर यहाँ आज मेरे पेरेंट्स होते तो भी तू यही कहती? अदिति प्लीज, सिया ने उसे रोकना चाहा। सिया, हम सब ये सोच के बैठ जाएं कि गलत हो रहा है, होने दो, हमें उससे क्या, ये कहां तक सही है? तो खुद सोच, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। आज यहाँ मेघा के पेरेंट्स हैं, कल को किसी और लड़की के हो सकते हैं, या कह सकती है तेरे या मेरे। सिया, मैं डीन से अकेले में बात करने वाली हूँ। विपिन या किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं कहाँ गलत हूँ तू ये बता, और कहीं से तो शुरुआत करनी है। आज हम करेंगे तो कल को दो लोगों को और हिम्मत आएगी। अदिति मेघा के पेरेंट्स को देखे जा रही थी। सिया को भी उसकी बातें काफी हद तक सही लगी। उसने अदिति का हाथ पकड़ के उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू अदिति, और भगवान का थैंक्स जो तुम्हें उसने मुझे दे दिया, मैं हूं तेरे साथ। चल अब रुलाएगी क्या, कहते हुए उसने सिया को हक किया। लेकिन डीन से हम कहेंगे क्या, हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं, सिया सोचते हुए बोली। वही तो सोच रही हूं। उसने देखा मेघा की फ्रेंड और रूममेट राधिका भी वहीं साइड में थी। वो उन लोगों के साथ कैंप नहीं गई थी। सुन सिया, वो राधिका की तरफ इशारा करके बोली, इससे पता करते हैं। कुछ देर में मेघा के पेरेंट्स वहां से चले गए। अदिति और सिया राधिका के पास गए। राधिका तुम ठीक हो, अदिति ने इत्मीनान से पूछा। उसने हां में सिर हिलाया। तुमसे कुछ पूछना था, अदिति ने कहा। हाँ, राधिका बोली, क्या तुम राजीव सर और मेघा के बारे में कुछ जानती हो, अदिति ने पूछा। हाँ, अफेयर चल रहा था उसका राजीव सर के साथ पिछले कुछ महीनों से, पर अभी पिछले महीने से ना वो बहुत परेशान लगी थी, ना ठीक से खा रही थी, ना सो पा रही थी, लगता है ड्रग्स लेने लगी थी। कई बार मैंने पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया। वो रोज डायरी लिखती थी, पर कैंप जाने से एक दिन पहले खुद बैठ के उसके सारे पन्ने फाड़ डाले और बहुत रोई, राधिका ने बताया। तुमने देखा उसमें क्या लिखा था, अदिति ने पूछा। नहीं, मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, राधिका ने बोला। प्लीज, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, हमें देखना है, अदिति बोली। हाँ क्यों नहीं, कहते हुए राधिका उन्हें अपने रूम में ले गई। अदिति ने देखा सामने मेघा की टेबल थी, पूरी बिखरी हुई। कितना गंद मचा रखा इस लड़की ने, सिया नाक सिकोड़ते हुए बोली। ऐसी थी नहीं मेघा पहले, पर पिछले एक महीने से जैसे वो होश में ही नहीं थी, राधिका बोली। अदिति उसकी टेबल पर पड़ी बुक्स में कुछ ढूंढने लगी। वो बड़बड़ाई, कुछ तो हाथ लग जाए।
उसने देखा एक बुक के अंदर उसे उसकी डायरी के फटे हुए पन्ने मिले। उसने वो पेजेस कलेक्ट किए और सिया के साथ अपने रूम में आ गई और पढ़ना शुरू किया। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसने पढ़ा, राजीव को जब पहली बार कॉलेज के कॉरिडोर में देखा था, धक से रह गया था ये दिल। तन्हा हम थे, उसका यूं मुस्कुराना गजब ढा गया। जुबान तो कह नहीं सकती, तुम्हें एहसास तो होगा, मेरी आंखों को पढ़ लेना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। थोड़े पन्नों के बाद लिखा हुआ था, यकीन नहीं होता वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं, ये दिन ये रात अब उनके बिना गुजरते नहीं, आज उनके इजहार मोहब्बत के बाद हम जमीन पर नहीं। यार कितनी शेरो शायरी करती थी ये लड़की, पका दिया बाय गॉड, सिया उबते हुए बोली। आगे पढ़ने दे, अदिति उसे टोकते हुए बोली। कुछ और पन्नों के बाद उसने पढ़ा, राजीव का ये बर्ताव मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज मैं उसके फ्लैट पर गई थी, वहां जाकर देखा तो पैरों के तले से जमीन खिसक गई, काश मैं वहां गई नहीं होती, तो जिंदगी आज यूं मुझ पे हंस नहीं रही होती। क्या इतनी मोहब्बत थी उन्हें हमसे, हमें ड्रग्स देकर 2 दिन उन्होंने बांध कर रखा। कुछ और मनहूस ही नहीं हुआ तेरे जाने पर, बस तेरा यूं जाना मनहूस होता रहा। यार इसने देखा क्या, पर अदिति सोचने लगे। चल उसके फ्लैट पे, अदिति ने सिया की तरफ देखते हुए पूछा। दिमाग खराब हो गया है क्या, पागल मत बन, सिया बोली, मैं तुझे वहां नहीं जाने दे सकती। सुन मैं आंटी को फोन कर दूंगी अगर तू नहीं रुकी तो, सुना तूने? ठीक है हम ये डायरी के पन्ने तो डीन को दे सकते हैं ना, अदिति ने कहा। अदिति और सिया बात कर ही रहे थे कि आदित्य का फोन आ गया। हाय क्या कर रही थी, आदित्य ने फोन उठाते ही बोला। सिया ने भी फोन पे कान लगा रखे थे। कुछ नहीं वो बोली और सिया को आंखें दिखाते हुए हटाने लगी। कैसे हो तुम, अदिति ने पूछा। मैं भला चंगा, तुम कैसी हो और मेरी शोना का ख्याल रख रही हो ना, आदित्य मुस्कुराने लगा। नहीं रख रही, पीछे से सिया चिल्लाई, आदित्य हंसने लगा। ये ना बिल्कुल वरुण जैसी है, आधी पागल आधी नहीं पूरी गोलमोल है ये, अदिति बोली। आदित्य हंसने लगा पर अदिति आज चुप थी। कुछ हुआ है क्या, आदित्य ने पूछा। अदिति चाहती थी वो आदित्य को सब कुछ बता दे पर उसने चुप रहना बेहतर समझा। अब नहीं कुछ खास नहीं, वो बोली। सुन अपना एग्जाम आने वाले हैं, अपना मुझसे ध्यान हटा के ना बुक्स पर लगा दो, अदिति दादी बनते हुए बोली। जी दादी माँ और कुछ, आदित्य ने उसे छेड़ते हुए बोला। सुनो तुमने फ्लाइट बुक कर ली ना, अदिति ने उसे याद दिलाते हुए कहा। बिल्कुल हो गई मैडम, आपका दास आपके पास होगा जल्द ही, आदित्य हंसते हुए बोला। अच्छा जी, वो बोली। अच्छा सुन अब एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ना भी है ना, आज से थोड़ा कम करते हैं बात, हाँ बस कुछ दिन बचे हैं, अदिति उसे समझाते हुए बोली। ओ हेलो मैडम, वैसे भी पढ़ाई नहीं होनी, मिस करने लगूंगा, आदित्य रूठते हुए बोला। मिस तो मैं भी करती हूँ ना आदि, बहुत करती हूँ, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, पर अगर ऐसे ही घंटों बात करते रहे तो तुम्हारे करियर का क्या होगा, मान जाना, अदिति ने समझाया। और अगर याद आई तो, वो आगे बोला। अदिति चुप थी। शोना कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे प्लीज, आदि उसकी आवाज से समझ रहा था। कुछ नहीं, वो बोली। मैं तुम्हें अगले वीक फोन करती हूँ, फिर पेपर के बाद, ऐसे धीरे धीरे बात भी होती रहेगी और पढ़ाई भी, कैसा आइडिया है, अदिति बोली। तू और तेरे आइडिया पे ही ना तो फिदा हूं मैं, आदित्य ने जवाब दिया। अदिति चुप थी। क्या हुआ मुझे बताओगी नहीं, आदित्य ने फिर पूछा। आज ना तुम्हें हक करने का मन कर रहा, यहां होते तो कर लेती, वो कहते कहते मुस्कुराई। हाय मैं मर जावा, पूछ क्यों रही है, आ जाना मैं हक करता हूं ना, और आप कहो तो बंदा अभी हाजिर हो जाए आपके पास, आदित्य ने उसे छेड़ना चालू कर दिया। चुप करो और फोन रखो, हंसते हुए अदिति ने बाय करते हुए फोन रख दिया।
और फिर वही रात को खाना खाके बच्चों के लिए खाना लेके पहुंच गए। अदिति ने वहां जाकर बच्चों को आवाज लगाई, शंकर, सीमा, लक्ष्मी, कहाँ हो सब, खाना आ गया? देखते देखते कुछ बच्चे अदिति के पास जमा थे। आज उसने नोट किया बच्चे कम थे। शंकर कहाँ है? उसने एक बच्चे से पूछा। अदिति ने पूछा तो बच्चों ने कहा उन्हें नहीं पता, पर कुछ दिनों पहले एक अस्पताल की गाड़ी आई थी और शंकर और चार बच्चों को ले गई। अब अदिति का दिमाग ठनका, मेघा की मौत, बच्चे गायब, ये विपिन, राजीव और मनोज का कुछ तो कनेक्शन है। अदिति ने सोचा अब उसे राजीव के फ्लैट में जाकर देखना ही पड़ेगा कि क्या माजरा है। अदिति मेघा की मौत और बच्चों के मिस होने का कनेक्शन जोड़ने में लगी थी। रात बहुत हो चुकी थी। उसने डिसाइड किया कि एक बार कल सुबह आकर इन बच्चों के पेरेंट्स को ढूंढ के उनसे बात करती हूँ। उसने एक बच्चे रघु को सुबह इसी जगह मिलने को कहा। रात को झुग्गियों में जाना उसे सेफ नहीं लगा और पहुंच गई अपने हॉस्टल। अगले दिन अदिति जल्दी उठ गई। कॉलेज से पहले वो एक बार उन बच्चों के घर जाना चाहती थी। उसे जल्दी उठते देख सिया ने कहा, कहां मैडम, आपकी फरारी कहां जा रही है आज इतनी जल्दी में? सुन, रात को मैंने तुझे बताया नहीं, वो बच्चे जिन्हें मैं रात को खाना खिलाती हूँ ना, उनमें से कुछ बच्चे गायब हैं। उनके पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, एक बार देखो तो माजरा क्या है, अदिति जल्दी में बोली। रुक, मैं भी आती हूँ, पांच मिनट दे, कहते हुए सिया जल्दी से रेडी हो गई। सिया और अदिति उन झुग्गियों में गए जहां वो बच्चे रहते थे। रघु अदिति को सुबह मेन रोड पर ही मिल गया। यार कितनी स्मेल है यहाँ पर, जाने कैसे रहते हैं लोग इस माहौल में, सिया नाक से कूड़ते हुए बोली। सच, अदिति ने जवाब दिया। और ऊपर से इन बेचारों के बच्चे भी उठा ले जाते हैं, सिया बोली। सच में यार, कोई इनकी मदद भी नहीं करता, अदिति ने चलते हुए जवाब दिया। एक टूटे हुए झोपड़े के सामने रघु ने इशारा किया, ये शंकर का घर है। अच्छा रघु, तुम यहीं रुकना, बाकी के बच्चों के घर भी जाना है ना, कहीं जाना मत तुम। अदिति ने उसे चॉकलेट दी और उस झोपड़े में एंटर हुई। बिल्कुल छोटी सी जगह थी वो। एक तरफ स्टोव रखा था और दूसरी तरफ एक पुरानी खाट लगी हुई थी। अदिति ने बाहर से आवाज लगाई, कोई है? अंदर से एक औरत आई, देखने में 50 साल की लग रही थी पर होगी 40-45 की। कुछ तो इन्हें हालात ही बुढ़ा बना देते हैं। कहिए मैडम, वो औरत बोली। आप शंकर की माँ हैं? अदिति ने पूछा। जी, उस औरत ने जवाब दिया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अदिति ने पूछा। जी आइए, कहते हुए वो अंदर चली गई। शंकर कहाँ है? अदिति ने घर में निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। शंकर का कुछ पता नहीं है मैडम, कहते हुए वो औरत रोने लगी। आप रोइए मत प्लीज, सिया ने धीरे से कहा। मैं और उसके पापा दिन रात मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा रहे हैं कि हमारी हालत थोड़ी तो सुधरे। क्या हुआ था, आप हमें पूरी बात बताओगे प्लीज, अदिति ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। पहले तो कुछ लोग अस्पताल से आए, कहा यहाँ बीमारी फैल रही है, सबकी जांच होगी, फिर सिर्फ बच्चों का खून लेके जांच का बोल के चले गए, उसके बाद कोई नहीं आया, वो बोली। मेरा शंकर चाय की टपरी पे शाम को काम करता था, एक दिन लौटा ही नहीं, वो रोए जा रही थी। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? अदिति ने पूछा। हाँ की ना मैडम, पर हमारी सुनता ही कौन है, वो बोली। मैडम आप हमारी मदद करोगे क्या, वो भरोसे वाली नजर से दोनों को देखते हुए कहने लगी। सिया और अदिति ने एक दूसरे को देखा। हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे, कहते हुए वो वहां से चली गई। वो आगे कुछ और बच्चों के घर गई रघु के साथ। सभी परिवार वालों का यही कहना था कि उनकी डॉक्टरी जांच हुई और फिर कुछ दिनों बाद से वो गायब हो गए। सिया और अदिति वापस अपने हॉस्टल आ गए, उन्हें कॉलेज भी अटेंड करना था। जैसे वो कॉलेज के लिए निकलने लगी कि सिया को अचानक पेट में दर्द होने लगा, तेज फीवर भी हो गया। अदिति एकदम घबरा गई। सिया, सिया तो ठीक है ना, क्या हुआ है तुझे, अदिति घबराते हुए बोली। सिया कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अदिति बहुत पेन हो रहा है,
वो बस इतना ही बोल पाई। अदिति तुरंत सिया को हॉस्पिटल ले गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने अदिति को बताया कि अब सिया ठीक है, उसके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। क्या हुआ था सर उसे, अदिति ने पूछा। कुछ टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं, अभी वो ठीक है, जाओ मिल लो अंदर, कहते हुए डॉक्टर चले गए। अदिति दौड़ के रूम में गई और सिया से लिपट गई। क्या हो गया था तुझे, मैं कितना डर गई थी। अरे पता नहीं यार, डॉक्टर भी बोलकर गए हैं कुछ टेस्ट होने हैं, सिया बोली। हाँ तो टेंशन ना ले, सब ठीक होगा, अदिति ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। सुन, वो शंकर की माँ का चेहरा बार बार सामने आ रहा है, उसकी मदद कर हो सके तो। मैं ठीक हूँ, तू कुछ पता कर, सिया बोली। हाँ तू टेंशन क्यों ले रही है, सब ठीक होगा, मैं हूं ना, सब सॉर्ट आउट कर दूंगी, तू आराम कर, मैं तुझे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, अदिति हाथ पे हाथ रख के बोली। अदिति दोबारा डॉक्टर से मिली, उन्होंने उसके कुछ टेस्ट सजेस्ट किए। अगले दिन उन्होंने उसे कहा कि सिया के पेरेंट्स को भी बुला लेना चाहिए, सिया को जॉन्डिस हो गया है, उसे एडमिट करना पड़ेगा। अदिति ने तुरंत सिया के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। अदिति पूरी तरह से सिया की सेवा में लग गई थी और अपने आप को पूरी तरह से भूल गई। निस्वार्थ भाव का दूसरा नाम था अदिति, एकदम निर्मल, मन में कोई मैल नहीं। अगले दो दिन में सिया के पेरेंट्स भी आ गए। हर माँ की तरह सिया की मम्मी भी लगी हुई थी हॉस्टल के खाने पीने को कोसने। इतना पैसा लेते हैं, बच्चों को ढंग का खाना तक नहीं देते, इतनी गंदगी मचा रखी है, मैं कंप्लेंट करूंगी सबकी, देखो मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया। अब अदिति हॉस्पिटल कॉलेज के चक्करों में ऐसी उलझी कि उसे डीन से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। पूरे डेढ़ हफ्ते के बाद सिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। सिया के पेरेंट्स उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर सिया ने सेमेस्टर का हवाला देते हुए जाने से इनकार कर दिया। हाँ आंटी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं हूँ यहाँ इसके साथ, अदिति ने भी उन्हें समझाया और वापस भेज दिया। देखते देखते समय गुजर रहा था। अदिति भले ही बिजी थी सिया को लेकर, पर अकेले में उसे आदि बहुत याद आ रहा था। अपनी हर परेशानी को आदि से शेयर करना चाहती थी, अपने बहुत से सवालों के जवाब वो चाहती थी, पर वो उसे फोन करके इस वक्त परेशान नहीं करना चाहती थी। खुशी तो हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, पर गम और परेशानी सुनने के लिए जिद्दी मन को वही चाहिए। आंखों से नींद कोसों दूर रहने लगी थी उसके। उधर अदिति की मुश्किलों से बेखबर आदित्य अपनी स्टडी में लगा हुआ था, उसके पेपर्स स्टार्ट हो गए थे। अब वो सारा टाइम अपनी स्टडी में लगा रहता था। बीच बीच में अदिति को याद करके दुखी होता, पर ये सुकून था कि उसे अब अगले वीक मुंबई जाना है और जिस दिन वो पहुंचेगा उसी दिन वो अपनी अदिति से मिलेगा। अब समय काटे नहीं कट रहा था, वो जी जान से जुटा हुआ था और पेपर्स भी अच्छे से कर रहा था। वो अब अदिति को तंग नहीं करता था, उसके कहे अनुसार दिन में हर घंटे वो व्हाट्सएप ऑन करता था अदिति को ये खबर देने के लिए कि वो ठीक है। एक रात 3 बजे तक अदिति को नींद नहीं आई। वो उठी और उसने फोन देखा, आज आदि का व्हाट्सएप स्टेटस था, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहे। ये नया तरीका था उसका अदिति को ये बताने का कि वो उसे कितना चाहने लगा है। लास्ट सीन भी कुछ देर पहले का ही था। कहा मानने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं आदि, तू अभी भी जागा हुआ है, यही बताना चाह रहा है ना, अदिति उसे छूते हुए बोली। अदिति ने उसके स्टेटस को हाथों से छुआ, आंखों में पानी था जो कि आदित्य को मिस करके उसकी आंखों में आ ही जाते थे। उसने कैलेंडर में देखा और एक तारीख और कट कर दी। अब बस 6 दिन और आदि, फिर हम मिलेंगे, हम साथ होंगे। कुछ रिश्ते छिपे छिपे रहते हैं, सरेआम नहीं होते, बस एहसास होते हैं, उनके नाम नहीं होते। एहसास का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होता है और जिनसे होता है उन्हें कुछ समझाने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। जो वो कहता, जो वो करता अदिति के लिए, और जो अदिति करती वो सब आदित्य के लिए। अदिति की आंखों से नींद दूर थी,
वो खो गई अपनी आधी की यादों में। सिया ठीक होने लगी थी। अब अदिति को डीन से मिलने का अपॉइंटमेंट मिला। समय 2 दिन बाद का था। जिस दिन उसे डीन से मिलना था, सुबह से ही वो सारा सामान जगह पर सेट कर चुकी थी। मेघा की डायरी के पन्ने, शंकर और बाकी के बच्चों का मिस होना, सब कुछ उसने पेपर पर लिख के रेडी किया हुआ था। उसके मन में एक कसक रह गई थी, वो राजीव के फ्लैट पर नहीं जा पाई, पर वो डीन से परमिशन लेकर लोकल पुलिस से कांटेक्ट जरूर करना चाहती थी। उसने सब कुछ प्लानिंग की हुई थी। जब वो निकल ही रही थी कि सिया बोली, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। पागल हो गई है क्या? तबीयत ठीक नहीं है तेरी, रेस्ट करना है ना, वरना अंकल को फोन कर दूंगी, तुझे अपने साथ ले जाएंगे, अदिति ने उसे डांटते हुए बोला। अच्छा दादी माँ, पर कुछ भी हो ना कॉल मी, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, सिया उसे बाय करते हुए बोली। जी मैडम, कहते हुए अदिति निकल गई। कुछ देर ऑफिस के बाहर वेट करने के बाद प्यून ने उसे अंदर जाने को कहा। अदिति ने गेट ओपन किया और बोली, मे आई कम इन सर? यस प्लीज, कहते हुए उसे अंदर बुलाया। डीन ने उसे बैठने का इशारा किया। सर मेरा नाम अदिति है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर लास्ट मंथ हमारी क्लास की एक लड़की मेघा का मर्डर हुआ था, उससे रिलेटेड बात करनी थी आपसे, अदिति बोली। डीन के हाथ में कुछ पेपर्स थे। अदिति के इतना कहते ही उनके सर पर सलवटें आ गईं। तुम क्या जानते हो? डीन ने उसे पूछा। सर मेघा का हमारी गेस्ट फैमिली के डॉक्टर राजीव मिश्रा के साथ अफेयर चल रहा था। उसकी डायरी के कुछ पेजेस मैं लाई हूँ, उसने वो आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने उन्हें कैंप में बात करते हुए भी सुना था, और उस रात की पूरी बात अदिति ने डीन को बता दी। ये बात और कोई जानता है? डीन ने पन्ने लेते हुए पूछा। नहीं सर, अदिति बोली। गुड जॉब अदिति, किसी को अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डीन उसे हिदायत देते हुए बोले। ओके सर, सर आपसे कुछ और भी शेयर करना था, वो आगे बोली। वो हमारे हॉस्पिटल रोड से आगे चलकर कुछ झोपड़ियां हैं, वहां कुछ दिनों पहले मैंने राजीव सर के साथ विपिन और मनोज को देखा था, और कैंप से वापस आकर जब मैं दोबारा उन बच्चों से मिलने गई तो वहां से कुछ बच्चे गायब थे। उनके पेरेंट्स से बात की तो पता चला उनका कोई ब्लड टेस्ट हुआ और सारे बच्चे नहीं पर कुछ बच्चे गायब कर लिए गए। सर मुझे लगता है इसमें भी इन तीनों का कोई ना कोई हाथ तो है। सर मेघा की डायरी में मेंशन है कि उसने राजीव सर के फ्लैट पे कुछ तो देखा था, हम वहां जाकर देख सकते हैं कॉप्स के साथ। इतना कहकर अदिति चुप हो गई। अदिति, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेघा को इंसाफ मिले और वो बच्चे, उनके साथ कुछ गलत ना हो, अभी तुम जाओ, डीन ने कहा। थैंक यू सर, कहते हुए अदिति बाहर जाने लगी कि डीन ने उसे दोबारा रिपीट किया। अदिति रिमेम्बर, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इस बार उसने देखा डीन के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसने हां में सिर हिलाया और चली गई। उसके जाते ही डीन ने रूम लॉक किया और किसी को कॉल किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।